सैमसंग इज किलिंग एप्पल वॉचेस। तो यार जैसे कि हमें पता है सैमसंग की वॉच सीरीज की नई वॉच गैलेक्सी वॉच 5 सैमसंग लॉन्च करने वाला है, और ऐसा टाइटल मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि सैमसंग अपनी वॉच को बेस्ट वॉच बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। जैसे कि सैमसंग ने गैलेक्सी S22 अल्ट्रा को बेस्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन बनाने के लिए सारी लिमिट पार कर दी थी, उसी प्रकार वो इस वॉच में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यार अगर बात करें कि स्मार्ट वॉच जब पहले पहले आना शुरू हुई थी उसके बाद से अभी तक काफी इवॉल्व कर चुकी है, काफी सारे नए फीचर्स डिस्प्ले वगैरह सब में इवॉल्व कर चुकी है, बट एक फीचर ऐसा है जो अभी भी काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो है वॉचेस की बैटरी लाइफ। सैमसंग ने अपनी वॉच 4 में थोड़ी सी बैटरी की इंप्रूवमेंट करी थी, बट वो सिर्फ 44 मिलीमीटर वाले वेरिएंट में थी, 40 mm वाले वेरिएंट में उन्होंने बैटरी कोई इंप्रूवमेंट नहीं की थी। तो इसी से रिलेटेड एक न्यूज है, एक साउथ कोरियन मीडिया कंपनी ने बताया कि सैमसंग की वॉच 5 में हमें 12% का इंक्रीज देखने को मिलेगा इसकी बैटरी लाइफ में। इसके साथ ही हमारे पास कुछ लाइव इमेजेस भी आई है बैटरी की जो सैमसंग की वॉच 5 में यूज होने वाली है। इसकी 40 mm वाले वेरिएंट में हमें 276 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और 44 mm वाले वेरिएंट में 397 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। तो मैं दोबारा से आता हूं टाइटल वाली बात पर। तो सैमसंग का डायरेक्ट कंपटीशन है एप्पल, और सबसे ज्यादा जो एक चीज परेशान कर रही थी वो थे सैमसंग के बेजल्स, यानी कि डिस्प्ले में। तो यार हम सब जानते हैं सैमसंग कितनी कमाल की डिस्प्ले बनाता है, पर पता नहीं क्यों सैमसंग की वॉचेस में इतने बड़े बड़े बेजल्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तक कि एप्पल की वॉचेस में भी हमें मिनिमम बेजल देखने को मिलते हैं, जबकि एप्पल नई टेक्नोलॉजी को इतना जल्दी अडेप्ट नहीं करता। इसका बेस्ट एग्जांपल है आईफोन का नॉच, आज भी हमें आईफोन में नॉच देखने को मिलता है, बट इस वॉच के साथ शायद सैमसंग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। इस वॉच में हमें काफी मिनिमम बेजल देखने को मिलेंगे, और यही एक मेन वजह भी है इसकी बिगर बैटरी लाइफ की। इसके साथ ही सैमसंग और कई बड़ी इंप्रूवमेंट भी कर रहा है, जैसे कि इसमें एक थर्मामीटर सेंसर भी इंक्लूड करने वाला है जो कि यार बेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर बता पाएगा आपकी बॉडी का। तो यार ये फीचर तो एप्पल में भी अवेलेबल नहीं है, अगर सैमसंग ने इसी तरह से और भी अपग्रेड ऐड करता गया तो वो जरूर एप्पल की वॉचेस को पीछे छोड़ सकता है। तो यार आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।